पहला मेरी बहुत सत्कार भरी फतेह अर्ज है जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। इस तो पहला कि मैं अज का कणक के खराबे के मसले के उत्ते तुहाडे नाल विचार सांझे करा, मैनू बड़ा अफसोस होया कि छोटे पद्धर की राजनीति बहुत सौड़ी सोच का सबूत अज भुलथ विच जिहड़े कोई बचे खुचे बोकर वाले हैगे ने, जमानत जब्त बिल्कुल सिफर बंधुआ मजदूर, उन्होंने आ दुनिया वालों को दसना चाहना इस लाइव दे बैठे आ साडा जिहड़ा शांतमई धरना जिहड़ा असीं 4-5 दिन पहला अनाउंस किया सीगा, इहदा विरोध करन लई उत्थे बाहर खड़े ने और सरकार ने उन्हां दी हिफाजत करन लई पुलिस लाई हुई है। इत्थों दा लोकल DSP, इत्थों लोकल थानेदार, सवेरे जदों मैं आया इत्थे टाइम ते साडे रजिस्टर SDM दफ्तर दे बाहर पुलिस दीआं बसां खड़ियां करके गेट बंद किया होया सी, गेट दे मूहरे बैरीकेड लाए हुए सी, ते आ जिहड़ा बोकर दे आ पेड बदमाश जिहे हैगे इत्थे आ बंधुआ मजदूर जिन्हां नूं मैं बुलाउणा वो परले पासे 35-40 जाने खड़े हो के पुलिस उन्हां दी हिफाजत करके ते इस धरने नूं टॉरपीडो कर रही सी। भगवंत मान तैनूं शर्म आउणी चाहीदी आ, तू साडे नौजवानां ते नैशनल सिक्योरिटी एक्ट तां लाया ही आ, बहुत लोगों नूं फड़ फड़ के जेलां च औरतां बच्चों नूं दित्ता ही आ, इंटरनेट बंद किया वा, पत्रकारां दे गले दवाए ने, पर हुण इस औकात इस कमीनी हरकत ते आ गया वा कि हुण हर ओपोजिशन अपनी कोई गल भी ना कह सके और शांतमई ढंग दे नाल धरना भी ना ला सके, और धरना भी कहदे वास्ते कि कणक दा खराबा दित्ता जावे, और जिहड़े खड़े ने बंधुआ मजदूर उन्हां नूं आउणा चाहीदा एक बार अंदर अपने गिरेबान दे झात के शर्म करो, ए तुहाडियां भी कणकां खराब होईयां ने, तुहाडा भी नुकसान होया वा, और जिहड़े इत्थे कणक दे नाल फसल नाल अगर जिमीदार खुशहाल आ, किसान उहदे नाल, खेत मजदूर खुशहाल आ, उहदे नाल आड़तीआं खुशहाल आ, उहदे नाल माड़ा मोटा जिहड़े कोई ट्रकां दा काम करदे उह भी खुशहाल आ। सो इस गल की असी सख्त निखेधी करते, पहला दो नारे ठोको जरा चंगी तरह कि असी डरन वाले नहीं गे, ना तुहाडियां गिदड़ भुपकियां तों घबराउण वाले हाँ, अगली बार यह धरना 5 गुणा वड्डा ज्यादा होगा। पंजाब पुलिस भगवंत सरकार, फर्जिया की सरकार, बोकर सरकार, फर्जी इनकलाबी गुंडा गर्दी करने वाले की बुरशागर्द। दोस्तों सिर्फ तुहाडे लई तुहाडी जानकारी लई कहा कि अज जमीन दे उत्ते पंजाब दे विच इह सरकार किस पद्धर ते उतर गई है कि अपने हथ ठोकियां नूं जिन्हां लोकां दे इत्थे कोई दुखी वैल्यू नहीं गी उन्हां दे जरिए पुलिस मोहरे खड़ी करके साडे सारे काम नूं टॉरपीडो कर रही आ। इहदी मैं सख्त शब्दां च निखेधी करदा, पंजाब दे विच इह गल गूंजेगी, आ लोकल DSP थानेदार सुन लैण चंगी तरह नाल, तुसीं खुदा नहीं गे, तुहानूं फर्दियां दित्तियां आ पंजाब दे लोकां दे खजाने दे विचों तुहानूं तनखाह मिलदियां ते तुसीं बदमाशां दे नाल जाके खड़दे हो, तुसी शांतमई ढंग दे नाल धरने देण वाले दा विरोध करदे हो, लानत है तुहाडे उत्ते भी बिल्कुल। दोस्तों अज आपां इकट्ठे होए हां बड़े अहम मुद्दे ते किसानां दे, तुहानूं पछला पिछले दिनां च बेमौसमी बारिश पई, मालवे दे विच गड़े पे ते कणक जिहड़ी सी ओह बिल्कुल तहश नहश हो गई, अखबारां जिहड़ियां कहिंदियां ने ओह 40% नुकसान कहिंदियां ने, लेकिन मेरा मनना वा कि पंजाब दे कुछ हिस्सों विच 80-90% नुकसान कणक दा हो चुका वा। तो मैं कहना चाहना कि सरकार ने ऐलान किया जी, असी विसाखी वाले दिन तो पहला, विसाखी तो आ गई 14 तरीक अज आप 10 खड़े हाँ, 3 दिन रह गए ने, आखिर जी असी मुआवजा देंगे, मुआवजे का मापदंड केजरीवाल का सहारा लैके जी उन्हें बड़े बड़े पैसे दिते, तो रकबा ही बड़ा थोड़ा दिल्ली के विच, और उन्हें जरा दिता 50,000 रुपया हेक्टेयर का दिता, 20,000 रुपया किले का, थोड़े जे किले से 100-200 किला खराब होया सीगा। हुण भगवंत मान कहिंदा जी जरा खराब होगा 100% उहदा देंगे असी 15,000 रुपया, जिहड़ा उस तो घट खराब होगा उहदा 6-7,000 रुपया देंगे। दोस्तों जे मैं पुछना चाहना भगवंत मान नूं सरकार नूं कि ज़्यादा ना खराब होवे, जे 10 क्विंटल भी कणक दा झाड़ घट गया तो सीधा 25,000 रुपये का नुकसान है, इसलिए जे तुसीं बंदे दे पुत्त हो जे तुसीं इलैक्शनां तों पहलां वादा कीते सीगे कि गरदौरियां वगैरह बाद च होणगियां, पटवारी वगैरह बाद च होणगे, असीं मुआवजा पंजाब दे लोकां नूं पहलां देंगे, कित्थे आ तुहाडा मुआवजा? अज मैं तुहानूं पुछा पहला, मैं फिर पुछ लैना, तुहाडे पिंडां च कोई पटवारी गया गुरदौरी करन लई? दस्सो जरा एक बार मनीष घुमा के दिखा, जरा कोई गया तुहाडे पटवारी गुरदौरी करन लई? कोई माल महकमे का बंदा गया असैस करन लई? और हुण सुन लो, मैनूं कह रहे सी अमरीक सिंह हुणे आ सरपंच खड़े आ घग्गां वाले, अखे कल परसों अफसर जिहड़ी खड़ी कणक सी उहदे मूहरे खड़ के फोटोआं खिचा रहे, कह रहे
भगवंत मान ने हिदायत दी 33 पैसे तो ज्यादा मुआवजा ही ना दिखायो। अगे आपां नूं पैसे देने पैणगे क्योंकि नुकसान होया वा, मेरी गल सुनो, नुकसान होया घट्टो घट 10,000 करोड़ रुपये का पंजाब के किसान का, 10,000 करोड़ का, तो मुआवजा देना इन्होंने एवं 15-20 करोड़ रुपया, तो वह की पू की आप मिलेगा तो की किसान करेगा। अज एक किसान ने आत्महत्या की है, अखबारों में तुम पढ़ लिया होना, एक किसान ने उन्हें 25 किले जमीन ली सी ठेके से, वो बेचारा जो बारिश ना सारी लंबी पै गई उन्होंने ठेका देना बेचारे ने, जरा खुदकुशी कर गया, वह खुदकुशी भगवंत के खाते च है। इसलिए असी साड़ी मंग आ कि जोड़ा पटवारियों का माल महकमे की है ना गरदौरी, ये गलत है हमेशा, ये पक्षपात करते हैं, ये पिंडा जाएंगे जिहड़ा नहीं नुकसान वो सौदा करे, लिया सुट मैं 5,000 रुपया किले का, तो तैनू मैं दवा देना 15,000 रुपया, तो जो असल नुकसान होएगा वह बेचारे दे ठेके वाले जमीन दे, जिन्हों लोगों ठेके से जमीन ली आ, मेरी आवाज़ उन्होंने वास्ते भी आ कि गिरदावरी करके ये मुआवजा ठेकेदार, मेरी अपनी जमीन ठेके से है, वो ठेकेदार मुआवजा मिलना चाहिए ताकि मैं वह बनता जोड़ा ठेका पावा घट दे सके, वह भी नुकसान होया वा। दूसरा मैं कहना चाहना कि कड़ी सदी च बैठे आप, सबू कहना चाहना कि जो गवर्नमेंट चाहे ना एक दिन में सारे कणक का लॉस का जरा अंदाजा लाया जा सकता, वह किस तरह सैटेलाइट राही मैपिंग ड्रोनस, तुम सारे देखते हो आप शादियों से जाने छोटे जे ड्रोन है, वो सारा विआह कवर करते कि नहीं करते, तो उपर तो सैटेलाइट्स है अंतरिक्ष में, वह सैटेलाइट के राह मैपिंग की जा सकती है, सारे पंजाब की मैपिंग एक दिन च कि कितना नुकसान होया, कि तहसील कि पिंड कि थाने कि जिले कितना नुकसान होया, जे सरकार चाहे वो सैटेलाइट मैपिंग ते ड्रोनस के जरिए एक दिन में असैसमेंट करके तो मुआवजा दे सकती, ये सारा लारा लप्पा आपां नूं मूर्ख बनाया जा रहा, जिदा इन्होंने वोटा वेले बनाता गल्लां किड्डियां किड्डियां कीतियां ते निकले कौन ने बंदे मेरे वीरों, एंटी पंजाब एंटी सिख एंटी जिहड़े साडे अधिकार आ उन्होंने अधिकारां नूं कुचलण वाले बंदे, कभी उम्मीद नहीं सी कीती कि ये जिहड़ा बंदा इदां दा, पर फिर मैनूं जरा एक गुरबाणी की तुक चेते आउंदी आ, कहिंदे कुत्ता राज बहालीए फिर चक्की, कुत्ता राज बहालीए फिर चक्की, फिर चक्की चट्टे, ऐदा दे शराबी बहालो, ऐदा दे भंड बहालो, ऐदा दे गदार बिठा लो राज ते, यही होगा तुहाडे नाल, ऐदा ही NSA लगेगी, ऐदा ही परचे दर्ज होंगे, ऐदा ही तुहाडे न्याणे चक के आसाम दे विच लैके जाणगे मेरे वीरो, जरा सोचो जिन्हां दे बच्चे गए ने आसाम दे विच उन्हां दा हशर की आ, ना उह बोली समझ आवे, ना उन्हां दा कोई खाणा पता लगे, ना उन्हां दा मौसम, ना उन्हां दा कपड़ा पहना रहना उठना बैठना, यारो एड्डी सज़ा यार। और मैं तुहानू तां कह रहा कि जिदा कंग साहब ने कहा असी हंडाया ना, तुसी सारे इत्थे बैठे पुराने बंदे बैठे हो, मेरे पिता जी ते 4 बार नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया सीगा, 4 बार, एक बार लै गए अगरतला त्रिपुरा वैसट बंगाल दे लागे, एक बार लै गए हजारीबाग बिहार में, एक बार रखता तिहाड़ जेल दे विच, इहनू कहिंदे जी आखे प्रिवेंटिव डिटेंशन, असी हालातां नूं बचाउण लई जिदा 57 करदे असी बचा कर लिए, बचा थोड़ो आ, इह तां सज़ा वाली डिटेंशन है, कोई जमानत नहीं, कोई पुछगिछ नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, 12 मिलियन तक दिता अंदर। और यह सरकार जी कहती असं बदलाव लेके आना, यह 1980 का कानून लागू किया वा, जोड़ा टाडा कभी पंजाब लगता से उदो दूजा रूप है मेरे वीरों, ये लड़ सकन बेचारे गरीब आदमी, सो इसलिए शर्म पहली गल तो सरकार और भगवंत मान को खास तौर पर, तू सारा कुछ दिल्ली सरेंडर कर दिता वा, साडा सारा होम डिपार्टमेंट पुलिस सारी उतों चल रही है, कभी देखा ही नहीं गा इन्हों का 5-6 दिन बाहर निकल के तो हिंदी में तकरीर पढ़ रहा सामने लिखा जोड़ा आ रहा वा, तो दूजा पंजाबी सिखा, दूजा विधानसभा कहता इन्हों पंजाबी नहीं बोलनी आँगी, एडा झूठा एडा मकार एडा फ्रॉड एडा जीरो और एडा पंजाब के नाल एक जोड़ा धोखा करने वाला बंदा साढ़े उत्ते राज करते बह गया, ताइयों आप इतने अच्छ पुंजे बैठे मेरे वीरों। इसलिए इस फसलों की कीमत तुरंत घट्टो घट 25,000 रुपया प्रति एकड़, घट्टो घट 25,000 रुपया प्रति एकड़ साड़ी मांग आ कि किसानों नूं मिलनी चाहिए आ और सारे पंजाब दे विच मिलनी चाहिए आ, बल्कि मगरला जिहड़ा झोने का हले मुआवजा नहीं दिता, कपाह का मुआवजा नहीं दिता, मालवे की धरती के उत्ते हले तक कपाह का मुआवजा नहीं दिता, हले तक नहीं दिता, ये तुरंत दिता जाए। इस तो बाद मैं गल तुहाडे नाल 2-3 दिन पोलीटिकल गल्लां करनियां सिर्फ सौखी सादियां जीआं कि देखो मेरे वीरों, तुसीं जिन्ने मैं पहलां भी समझाया सी तुहानूं और मैं विधानसभा दे विच भी गल रखी आ, जिहड़ा पंजाब है ना ये खुशहाल उन्नी देर तक नहीं हो सकता
जद तक साडा पंजाब दा पाकिस्तान दे नाल लगदा बॉर्डर व्यापार लई पूरा ना खुले, पूरा मतलब कला पाकिस्तान नहीं, असी जिहड़े आ बदाम बदूम काजू पिस्ता आउंदा उह नहीं, एक हैगा पुराना जिहड़ा रूट सीगा पंजाब दा पाकिस्तान अफगानिस्तान दे जरिए ईरान दे विचों दी होके रूस तक, इहनू कहिंदे सी सिल्क रूट, जिहदा सिल्क दा कपड़ा हुंदा अपना बेहतरीन रूट। इहदे सब तो ज़्यादा खुशहाल पंजाब क्यों होया अज तो 100 साल 150 साल पहला, बाकी भारत का तो पता ही कुछ नहीं, पंजाब ही सी सारा, क्योंकि इधरों व्यापार चलता सी। अज भी जे व्यापार खुल जाए तुहाड़ियां कणकां दे भाव, तुहानूं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करन की दिल्लीओं मंगण की लोड़ ही नहीं गी, कणकां दे भाव 4-5 हज़ार रुपया नूं क्विंटल और सारी मार्केट, क्योंकि वो जिहड़ी मार्केट है ना सारी रूस तक, यह बहुत वड्डा रकबा वा, यह सारी अपनी रोटी कित्थों मंगाउंदे, ठंडा बहुत है इत्थे, कुछ नहीं हुंदा, अनाज नहीं हुंदा, दुध भी नहीं हुंदा, यह मंगाउंदे ने जां ब्राज़ील अर्जेंटीना तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज दा साउथ अमेरिका जहाज़ा राही, तो या मंगाउंदे ने अफ्रीका तो, इन्हां को कुछ नहीं खाण पीण, तो अपना तो बिल्कुल नाल गवांढी है इत्थों। और जिहड़े मैं पुराना पहला भी कहा कई वारी 1980 दे दहाके विच एक बार ईरान तो आलू विकया अपना, इत्थे ट्रक आए, मैं आप देखे ट्रक, वड्डे वड्डे कंडीशन ट्रक आए सीगे, नहीं गुजारा पंजाब दा, और इंडस्ट्री दा भी गुजारा नहीं गा, क्योंकि साढ़े को बंदरगाह कोई नहीं गी, असी देश दे एक नुक्के कोने ते आ। की तुसी गुजरात नाल साढ़े व्यापारियों को पुछना चाहना, तुसी महाराष्ट्र दे नाल जिन्हां सूबयां दे कोल बंदरगाह है तुसी उन्हां दे नाल कंपीट कर सकते हैं, उन्हां दे नाल तुसी मुकाबला कर सकते, नहीं कर सकते, असी बिल्कुल नुक्कर ते लगे हुए, साढ़े को कुछ नहीं सवाए पानी तो मेरे वीरो, ना कोला ना बॉक्साइड ना लोहा ना कोई होर मार्बल, सारे सूबे को कुछ ना कुछ, मैं पिछे छत्तीसगढ़ गया, बॉक्साइड लोहा कोला, इन्निया अमीर स्टेटा ने साढ़े को कला पानी पानी असी दे चुके हैं राजस्थान ते हिमाचल हरियाणा ते दिल्ली नूं, और असी 14 लाख ट्यूबवैल कढ लिया वा, 14 लाख ट्यूबवैल जिहड़ा तुहानूं पता होना चाहिए, तुसी सारे किसान बैठे, मैं विधानसभा च भी कहा जदों मैं बजट खोलिया इदा करके, बजट में मैं सीधा जाके पहला खेती का एलोकेशन देखी, साडा बजट जिहड़ा वा तकरीबन शायद 2 लाख करोड़ रुपए का बजट बनया पंजाब का कुल, उहदे चों मैं जदों कढ़िया खेती का सफा एग्रीकल्चर, उहदे च खेती की एलोकेशन सिर्फ पता किन्नी सी 13,888 करोड़ रुपये, 13,888 करोड़ रुपये सिर्फ, तो जे उहदे विचों बिजली की सबसिडी कढ़ दो जिहड़ी मुफ्त ट्यूबवैलां दी 9,900 करोड़ रुपया, तो फिर बचता तुहाडे को 4,500 करोड़ रुपया, सारे पंजाब की खेती लई 4,500 करोड़ रख्या सिर्फ, की मुआवजा देंगे, की नवें सीट पैदा करेंगे, की यूनिवर्सिटियां नूं सपोर्ट करेंगे, की पंजाब दे नवी कोई विभिन्नता कोई खेती पैदा करेंगे, की करेंगे दसो, मैं मूंगी लवाई सी, पैसे नहीं दे सके, 90% मूंगी डिस्ट्रेस सेल ते बिची है, सारी प्राइवेट व्यापारियों ने खरीदी है, हर फसल तुहाडी जिहड़ी आ ओह इदां ही तुसीं जिहड़ा वायदा करदी सरकार ओह खरीदी नहीं, इत्थे कहिंदे वो एक इन्हां दी कुड़ी हैगी सी बन गई मिनिस्टर, वह कहती 5 मिनट च MSP 5 मिनट कितने ने वो सारे, कितने केजरीवाल जिहड़ा कहिंदा सी मैं आउंदा सारी पंजाब दे विच बदलाव लाऊंगा, सवाए इश्तिहारबाजी तो, सवाए साडा पैसा लुटाउण तो, सवाए बंदे बाहरों लिया के साडे सिर ते बिठाउण तो, कीता की इन्हां ने मेरे वीरो। और अगली गल मैं जिहड़ा बिल विधानसभा च रख्या, मैं 23 जनवरी 2023 नूं ऐतकी नाल प्रताप सिंह बाजवा लीडर ऑफ ओपोजिशन नूं नाल लै गया, स्पीकर पंजाब विधानसभा कुलतार सिंह संधवा नूं मिलिया, मैं कहा हिमाचल प्रदेश की तर्ज ते, हिमाचल टेनेंसी एक्ट 1972 की तर्ज ते, राजस्थान की तर्ज ते, गुजरात की तर्ज ते, कृपा करके एक नवा बिल इंट्रोड्यूस करो, कानून बनाओ पंजाब दे विच के कोई भी गैर पंजाबी आण के सीधा मालिक ना बन सके, सीधा वोटर ना बन सके, सीधी जमीन ना खरीद सके, आवे कमाई करे पैसे कमावे, सानू कोई इतराज नहीं गा, लेकिन शर्तां पूरियां करके अगर मालिक भी बनना चाहता मालिक भी बने, जिदा हिमाचल प्रदेश दे विच मेरे वीरो नहीं समझे अहमियत, इन्हों सरकार दिल्लियों चलती, दिल्ली वाले नहीं चाहते कि एक कानून पंजाब दे विच बने, इन्हां कन्नां दे मारियां होणियां, कन्न मरोड़िया होना स्पीकर दा विचे भगवंत दा, और मेरे इस बिल दा इन्हां ने कोई जवाब नहीं दिता, ना भी नहीं कीती, डर रहे ने कि ना करांगे तो भंडी प्रचार होगा जाके, क्योंकि फिर साबित हो जूगा कि पंजाब दे हित दे बंदे नहीं, गैर पंजाबियों दे हित दे नाल खड़े ने। मैं फिर कहना चाहुंदा कि असी किसे गैर पंजाबी दे खिलाफ नहीं गए, पर साडी अपनी होंद खतरे च आ, जे स्पीड नाल अज पिंडां चों बाहर जा रहे ने विदेशों, मैं पदासा का रिकॉर्ड कढ़ाया तो सुनोगे हैरान हो जाओगे, 1886 वोटां 888 बंदे बाहर ने, 47% पदास खाली पिया वा, 47% पदास, तो ज्यादा ना करो 30% पंजाब खाली पिया सारा,
वो 30% जे गैर पंजाबी आउणगे साडे न्याणे 2-2 लख करके फिर कनेडा भजे जांदे ने नाल पैसे ले जांदे ने ते फिर तां पंजाब जिहड़ा वा साडी होंद साडी आइडेंटिटी साडी डेमोग्राफिक सिचुएशन साडी आबादी का तवाजन सारा खत्म हो जाऊगा नहीं समझे आ तुहानूं मैं 2-3 गल्लां इंपोर्टेंट करनियां सी होर बहुत कुछ हैगा लेकिन समां इजाजत नहीं दिंदा मैं बेनती करूंगा करन उन्होंने के एसडीएम साहब नूं रिक्वेस्ट करो प्लीज़ उन्होंने प्रोमिस किया वो आन इतने वो सानू आन के कन्विंस करन दसन के कदों गिरदौरियां होणगियां कदों मुआवजा दिता जाऊगा और कदों जिहड़ा हैगा वा किसानां नूं कोई माड़ा मोटा उन्हां दी हक रसी होवेगी और प्रोसीजर की होवेगा और मैं फिर कहना चाहुंदा कि इन्ना सिंपल असैसमेंट करनी थ्रू सैटेलाइट मैपिंग ड्रोनस उत्तों सारा आन के जदों अग लगदी उदों भी कुलवीर जी दस रहे मेरे कजन कि जो अग लगती उदो भी तो मैपिंग करते हैं उतो भी इन अग लग गई ने तो उदो भी मिलनिया चाहिए तो हम अपने एसडीएम साहब साढ़े दरम्यान ने मैं उन्होंने बेनती करूँगा संजीव शर्मा जी ने एसडीएम अपने भुलाते इन्हों की हदायत है वो तुम प्लीज़ लोगों के नाल शेयर करो इधर आओ एक एसडीएम साहब पिछली बार गुस्सा किया कहते मैं भजया नहीं मैं इतने घर छुटे तो माफी मांग रहा तो मेरे भरा मैं कभी कोई संघया ही नहीं गा जे मैं उदन पता हों तुम छुट्टी के जिदन दफ्तर आए हैं मैं तुम कुछ कहना नहीं आओ लै कोई गल दसो सत्कारयोग एमएलए साहब और हलका भुलाते मेरे मोजिज और प्यारे साथियों जिस तरह के सर ने सानू दस्सिया कि पिछले दिन ही पंजाब दे विच बेमौसमी बारिश और गड़ेमारी कारण सारे किसान भरावां दा बहुत ज़्यादा नुकसान होया सो प्रबंधकी पक्षां तो मैं कोशिश करांगा तुहानू दस्सण दी कि असीं की कर रहे हां 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स असीं पटवारी अपने पहले तो मैं दसा कि साढ़े को 30 पटवार सर्कल ने जिदे अगेंस्ट मेरे को सिर्फ 6 पटवारी ने पटवारी और खेतीबाड़ी विभाग का नुमाइंदा मैं दिता गया उन्होंने नाल जोड़ के असी टीमां बनाई हुई हैं और एक शेड्यूल बनाया गया जिदे मुताबक कल शाम तक असी गिरदावरी मुकम्मल करांगे पर सर जो मैं प्रैक्टिकली लग रहा सानू एक दिन होर लग जाना वै असी परसों शाम तक ही मुकम्मल कर पावांगे क्योंकि पटवारियों की संख्या घट है दूसरा जिस तरह सर मैं तुहानू सच्चाई जो दस दी जो मैं पड़तालां थोड़ियां बहुत कीतियां वै साडे पलाथ दे विच कुछ हल्कियां दे विच काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया बेट दे विच 75 तो लैके 90% तक जिहड़ा कि फुल 15,000 एकड़ वाला और कुछ दे विच घाटे भी होया वै मैं स्पष्ट तौर पर कहांगा और सर पटवारी मेरे को पिक्चर्स भी हैगियां वै कितें गलत भी होया वो मेरे ध्यान च लियाओ सर जो भी बनती हसब जाबता जो कार्रवाई होएगी वो असी किसी भी कोई लैब्स किसी पाया जाएगा कोई डिलिंक्वेंट ऑफिशियल पाया जाएगा वो अगेंस्ट असी जरूर कार्रवाई करांगे पर पटवारी जिनी कि मैं पड़ताला की है क्योंकि पटवारी गुरदौर तो बाद फिर क्योंकि मेरे को तहसीलदार कोई नहीं है इस वेले उस तो बाद मैं जिनी कि पड़ताला की है तो काफ़ी टाइम लगा के काम कर रहे हैं स्टिल आई एक्सैप्ट कि जे कि कोई लैब्स होया तो वो चारा जो जरूर की जाएगी जाएगी इस तो बाद डिसबर्समेंट का सरकार ने सर जो रखा वै वो 14 तरीक की डेट रखी है परसों तक तो असी लिस्टा तैयार करांगे कि कितना नुकसान होया वै खेतीबाड़ी विभाग नूं नाल लैके उहदे जो बेसिक वक्रे वक्रे जो क्राइटेरिया है गए है जिथे रीजर्मीनेशन हो गई है समरजेंस कंप्लीट हो गई है दाना कंप्लीट काला पै गया है सारिया चीज़ा कंसिडर करके उहदे मुताबक नुकसान का जो लिस्टा तैयार करनगे और उस तो बाद जिहड़े AR जिहड़े रजिस्टर बनने हैं उन्हों सानू लगता दिन रात लगा के तैयार करके उस तो बाद सर इन्हां दे खात्यां विच पैसे पाउणगे परफॉर्मा सरकार वालों सर्टिफिकेट किया गया IFSC कोड बैंक डिटेल्स आधार नंबर वगैरह सारा कुछ लैके तो हाल की करीब 14 तरीक इज़ द लास्ट डेट फॉर डिसबर्समेंट ऑफ कंपनसेशन थैंक यू सर। हाँ ये भी करो जिन्होंने ठेके से जमीन ली ना वो मालकां नूं नहीं ठेकेदार नूं मुआवजा दिता जाए कोशिश करो सर इस वारी कोशिश नहीं इस वारी है ही है कि जिहड़ा बंदा एक्चुअली वार है उहदे ही खाते च पैणे है दिस इज अनलाइक पास्ट कि जदों कि रिकॉर्ड के मुताबिक पाई जाती सी पंजाब दे विच मसला यह है कि जिमीदार कदे भी गिरदौरी नहीं होण दिंदा किसी के नाम के उत्ते
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁਦ ਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਣ ਹੁਣ ਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਫਿਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿਓ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕਾਹਲੇ ਕਦ ਲਈ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੁਲਬੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਗਰਦਾਰ ਗਰਦੌਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਰ ਤੋੜਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ ਹੈ ਹੀ ਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁੱਡਾਂ ਚ ਵੜ ਗਏ